हेलो एवरीवन, आज है 28 अप्रैल और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में, जो फिलहाल 13.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या स्टॉक को बाई करना चाहिए, इसको बाई कर इसको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, पूरा बताऊंगा आज के इस वीडियो में और स्टॉक का पूरा फंडामेंटल भी एनालाइज करूंगा। अगर आप फ्रेश एंट्री नहीं सोच रहे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर से ऑल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स उनको पता है, हमारे चैनल में बहुत सारे ऐसे मल्टीपल स्टॉक लेके आए हैं, जैसे आरबीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, उसके बाद एचएससीएल, हिमादी स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, जो 40 पे रिकमेंड करता था, 370 के आसपास ट्रेड कर रहा, आराम से आपको 600 रुपए तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। उसी तरह जेबी पावर आपको 6 रुपए पे रिकमेंड करता था, वोडाफोन आइडिया मैंने आपको 8 रुपए पे रिकमेंड करा था, वोडाफोन आइडिया आराम से आपको 25 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो मैं लगातार आपके लिए मल्टीपल स्टॉक लेके आता रहता हूँ जिनमें रिस्क ना के बराबर होता है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे पेनी स्टॉक होते हैं जो फ्यूचर में अच्छे बना के दे सकते हैं, इसलिए मैं बहुत ही कम पेनी स्टॉक होते हैं जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ। राम स्टील ट्यूब्स के बारे में आज बात कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे 5 दिन के अंदर, तो 5 दिन के अंदर 11 से 12% ये देखने को मिल रही, जो कि कम नहीं होता है। स्टॉक ट्रेड कर रहा था 12.30 के आसपास, अभी फिलहाल 13.70 आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर आप 1 मंथ के अंदर देखेंगे तो स्टॉक उल्टा गिरा ही है, 4 से 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक में अच्छा खासा लो बनाया था 12 का, वहां से अच्छा खासा रिकवर हो चुका है। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो इसमें ऊपर की प्राइस से फंसे हैं, तो उनको क्या करना है वो भी बताऊंगा। अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो 23 से 24% का स्टॉक में रिटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक में हाई भी बनाया था 40 रुपये का, बहुत सारे यहाँ भी फंस चुके हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको हर बार यही बोलता हूँ कि रैली देख के किसी भी स्टॉक को आपको बाई नहीं करना है, क्योंकि जो रैली आई है किस वजह से आई है आपको कुछ पता है नहीं, मतलब आप चलती गाड़ी में बैठ गए हो। ऐसे स्टॉक को आपको बाई नहीं करना है, पूरा फंडामेंटल एनालाइज करें तभी आप किसी स्टॉक को बाई करें। किसी की वीडियो देख के बाई कर लिया या खुद ने इसको आपने बाई कर लिया, ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि इस स्टॉक ने आपको बाई करवाया, आपने स्टॉक को बाई नहीं कराया। अगर आप देखेंगे साल भर के अंदर स्टॉक में मात्र 30% रिटर्न देखने को मिल रहा है, वहीं अगर आप 5 साल में देखेंगे तो स्टॉक 962% रिटर्न दे चुका है, जो कि कम नहीं होता है। तो जिन्होंने 5 साल पहले इसको बाई किया होगा 1.29 के आसपास, उनका एक अच्छा खासा रिटर्न बन चुका होगा, और शायद ही हमारा कोई ऐसा व्यूअर्स होगा जिसने इसको इस प्राइस पर बाई कर रखा होगा। अगर बाई कर रखा होता तो इस वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। मैक्स देखेंगे तो स्टॉक लिस्ट हुआ था 1 रुपीज के आसपास 2015 में, अभी देखते हैं 270% रिटर्न दे चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। और जिन्होंने अभी बाइक किया उनके हिसाब से कोई रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, पर जिन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइक कर रखा है उनका एक अच्छा खासा रिटर्न बन चुका है। वहीं अगर आप फंडामेंटल देखें तो मार्केट के 2028 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम है, पर इसके प्राइस के हिसाब से ठीक है। स्टॉक पीस का 60.6 का देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा ओवरवैल्यूड है, थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर आप फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो 11 रुपये के आसपास इसमें आपको एंट्री लेनी है, पूरा पैसा एक बार में नहीं लगाना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आपको बाई करते रहनी है, जिससे स्टॉक गिरेगा भी तो आपकी बाइंग प्राइस कम से कम होगी। वहीं अगर आप देखेंगे जिसका सेल्स था, अगर आप सेल्स देखें दिसंबर 2023 में 153 था, जो कि फिलहाल दिसंबर 2023 में 262 होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, जो कि इनका 5.73 था दिसंबर 2020 में, जो कि फिलहाल 17.23 होते हुए देखने को मिल रहा है, तो यह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3.65 हुआ करता था, जो कि फिलहाल 10.29 तो देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो इसके क्वार्टरली सेल्स में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। बैलेंस शीट भी देखिए तो इनका इक्विटी कैपिटल पहले 1 हुआ करता था, अभी 51 होते देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप इनका कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो इनके पास पहले 5 हुआ करता था, अभी -6 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा खराब है। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी दोनों ही माइनस में देखने को मिल रहा है, पर वहीं देखिए कैश फ्लो फाइनेंशियल एक्टिविटी प्लस में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। शेयरहोल्डर पैटर्न देखेंगे तो ये भी थोड़ा सा यहाँ खराब देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 62.33 थी जून 2021 में, जो कि फिलहाल अभी देखेंगे आप तो मार्च 2024 में 56.70 होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ प्रमोटर अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज कर चुके हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है स्टॉक खराब है। अगर आप पिछले क्वार्टर से देखें तो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कंपनी आने वाले समय अच्छा ही करते देखने को मिलने वाली है। FIS की देखिए 0 हुआ करती थी, जो कि फिलहाल 0.08 होते हुए देखने को मिल रही है, तो यहाँ फोन इन्वेस्टर ने होल्डिंग को बढ़ाया है। DIS की देखिए तो यहाँ देखते हैं आप 0 थी, जो कि फिलहाल अभी 0 ही देखने को मिल रही है, तो DIS ने अपनी होल्डिंग को घटा दिया है। पब्लिक देखिए 37.67 थी, जो कि फिलहाल 43.24 हो चुकी है। तो शेयर पेटर्स का ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, फंडामेंटल्स का बहुत ही सही है। स्टॉक आपको एक रैली दिखा सकता है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, जितना पैसा आप खोने को तैयार है उतना ही पैसा लगाइएगा, और आपने ऊपर की प्राइस से बाई कर लिया है तो आराम से इसको होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस बुक करने का मतलब नहीं बनता है। स्टॉक के फंडामेंटल बहुत ही सही है, आने वाले समय में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, यहाँ से आराम से स्टॉक आपको डेवलप मिल सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।